Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, we are doing our chapter Home Sweet Home, and today we are doing the book work of our chapter. So start with grammar. Open page number 141. Read this sentence. The mice love the scones and cocoa. Mice here, subject. And love the scones and cocoa means predicate. बेटा subject क्या होता है? Subject वो होता है tell us who or what the sentence is about. जो हमें ये बताए कि sentence किसके बारे में है. Is usually a noun or a pronoun. और ये usually एक noun और pronoun होता है. और usually comes at the beginning of the sentence. ये usually sentence के beginning में आता है. Okay? और predicate क्या होता है? Is the rest of the sentence with the verb. जो सब्जेक्ट के बाद वाला जो रेस्ट सेंटेंस होता है वो वर्ब के साथ होता है, वो प्रेडिकेट होता है. टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में और बताता है. लाइक जेरिन लव्स पूरीज, हियर जेरिज इज सब्जेक्ट. और जेरिज के बारे में क्या बताया जा रहा है कि जेरिज को पूरीज पसंद है. जेरिन लव्स पूरीज, तो लव्स पूरीज क्या है? प्रेडिकेट. ओके. आई हैव शॉर्ट हेयर, आई सब्जेक्ट हेयर. आई यहाँ सब्जेक्ट है और हैव शॉर्ट हेयर क्या है? प्रेडिकेट है. ओके बेटा, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन दी सेंटेंसेस. आई एट माई ब्रेकफास्ट, तो आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट. और मेरे बारे में क्या बताया जा रहा है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट मैंने खा लिया, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. सेकेंड, रितिका इज राइटिंग अ लेटर, तो रितिका इसमें क्या है? सब्जेक्ट है. और इज राइटिंग अ लेटर इसमें क्या है? प्रेडिकेट है. ग्रैंड मदर इज टेलिंग अस अ स्टोरी, तो ग्रैंड मदर इसमें क्या है? सब्जेक्ट है. और इज टेलिंग अस अ स्टोरी इसमें प्रेडिकेट है. ओके. अब्दुल गेव अस चॉकलेट्स फॉर हिज बर्थडे, तो अब्दुल इसमें क्या है? सब्जेक्ट. और अब्दुल के बारे में क्या बताया जा रहा है कि अब्दुल ने हमें अपने बर्थडे पे चॉकलेट्स दी, तो गेव अस चॉकलेट्स फॉर हिज बर्थडे इज अ प्रेडिकेट. दे आर हेयर टू प्ले द मैच, दे इज अ सब्जेक्ट हेयर. एंड आर हेयर टू प्ले द मैच इज अ प्रेडिकेट हेयर. सो स्टार्ट टू राइट. नेक्स्ट, रीड दी सेंटेंसेस. मॉल हैज द बेस्ट प्लम जैम इन द वर्ल्ड. मॉल एंड रैट हैड स्कॉन्स एंड जैम फॉर सपर. हैज शो टू द प्रेजेंट, had show to the past. See here, look at this table. The present tense में क्या होगा? I play. He or she है तो क्या आएगा? Plays. Singular noun है तो verb भी क्या होगी? Singular. They और we के साथ क्या आएगा? Play. Plural noun है तो verb भी क्या होगी? Plural. I के साथ हमेशा plural verb आती है. He or she क्या है? Singular है. इनके साथ क्या आएगी? Singular verb. प्लेस, क्योंकि ही और शी सिंगुलर है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आई एम प्लेइंग, ही और शी इज प्लेइंग. दिस शो टू द आई के साथ हमेशा एम आता है. सिंगुलर के साथ इज आएगा. दे एंड वी प्लूरल के साथ आर आएगा. दे एंड वी आर प्लेइंग. द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म आएगी. आई प्लेड, ही और शी के साथ प्लेड, और दे और वी के साथ भी प्लेड. If a subject is singular, its verb must also be singular. यदि subject singular है तो उसकी verb भी singular होगी. See, the child plays happily. If a subject is plural, यदि subject plural है तो its verb must be plural, तो इसकी verb भी plural होगी. The children play happily, like this. Okay? Now we will do the matching. Match the words in A to the correct words in B to complete these sentences. Roses grow in our garden. The sun, singular है तो इसके साथ verb भी singular आएगी. The sun rises in the east. The children, plural, plural. Plural के साथ क्या आएगा? या तो plural verb आएगी, और यदि present continuous tense है तो children के साथ are आएगा. The children are watching a film. The baby is sleeping. Baby singular है. I के साथ am आएगा. I am going for a walk. Now do the matching. See, like this you will do the matching. Okay? Come here. We also follow this rule when we use do,
does और did का यूज बताया हुआ है. My brother does puzzles. My brothers do puzzles. My brother did puzzles. My brother does puzzles कहाँ आया? Brother singular था तो उसके साथ singular verb does आ गई. Brothers plural आ गया तो plural verb do आ गई. My brother did puzzles. Past आ गया तो did आ गया. Present tense में क्या आएगा? Do और does. Singular के साथ does आएगा, plural के साथ do आएगा और past में did. ओके ऐसे ही नेगेटिव बनाया गया. नेगेटिव सेंटेंसेस, मॉल डज नॉट वॉन्ट टू बी आउटसाइड. मॉल एंड रैट प्लूरल हो गए, डू नॉट वॉन्ट टू बी आउटसाइड. मॉल एंड रैट प्लूरल है और पास्ट है, डिड नॉट वॉन्ट टू बी आउटसाइड. और नाउ आस्किंग क्वेश्चंस, इन आस्किंग क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब कम फर्स्ट एंड देन अनदर सेंटेंस. डू यू टेक द बस, यू के साथ क्या आएगा? डू. डोंट यू टेक द बस, डिड यू टेक द बस. पॉजिटिव नेगेटिव एंड हियर पास्ट सेंटेंस डिड. डज शी टेक द बस, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी. डज शी टेक द बस, डजंट शी टेक द बस, डिडंट शी टेक द बस. ओके हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डू डज डिड? ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल ट्राई टू डू इट योर सेल्फ. Complete these sentences in your own words in the simple present tense or the simple past tense. आपको इसको simple present tense या simple past tense में बनाना है. या आपको sentences दिए हुए हैं, जैसे first Rishi does not दिया हुआ था, like loud music आ गया. अब आप second sentence को चाहे do से बनाओ चाहे did से. My kittens हैं plural है. अब इसको यदि आप present में बनाओगे तो do से बनाओगे, past में बनाओगे तो did से. आई के साथ डू ही आएगा, तो यदि आप प्रेजेंट में बनाओगे तो डू नॉट, पास्ट में डिड नॉट. बेकर यदि प्रेजेंट में बनाओगे तो डज नॉट, पास्ट में बनाओगे तो डिड नॉट. माय पेरेंट्स डू नॉट या डिड नॉट. ओके आपको ये फाइव सेंटेंसेस खुद बनाने हैं, खुद से आप इसको, आपको इसमें प्रेडिकेट ऐड करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ओके बेटा इट्स योर होमवर्क. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.